मुंबई के चेंबूर स्वास्तिक पार्क के सुमन नगर विजय सेल्स के बाहर महानगर पालिका की तरफ से ड्रेनेज व पाइप लाइन का काम महीनों से चल रहा है। कभी कभी काम शुरू रहता है तो कभी कई दिनों तक ये काम बंद रहता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं ये कंटिन्यू काम चल ही रहा है, कभी स्लो कभी फास्ट, इनकी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रोज के दिन में कम से कम 300 से 400 गाड़ियां रॉन्ग वे में उल्टा जाती हैं। ऑन एन एवरेज रोज एक बाइक का एक्सीडेंट, कभी कोई गाड़ी का एक्सीडेंट, कभी किसी सीनियर सिटीजन को ठोक दिया, तो ये रोज का लेना देना। तो बट अभी इसके लिए ब्लेम किसको किया जाए, क्या किया जाए, हमको खुद को नहीं पता है। सो वो माध्यम से मैंने सोचा मैं आपको कंसल्ट करूं कि आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल के कुछ इसका नतीजा निकाल पाएं। ये मेरे अंदाज से जो स्पीड से अभी कैसा है, पिछले ये 1.5 साल से काम चल रहा है, कभी चालू करते हैं कभी बंद करते हैं। इन्होंने पूरे 2 साल में कम से कम 3 से 4 बार इन्होंने खोदा है, फिर कुछ नवी पाइप डाली है, फिर खोदा है, फिर कुछ नया काम किया है। ये काम एक ही टाइम पे इन लोग कर सकते थे, जबकि इनको 2 साल नहीं लगना चाहिए था ये काम के लिए। ये काम मेरे ख्याल से, मेरे अंदाज से जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, 4 से 6 महीने का ये लोकल काम था। इन्होंने जाने के लिए एक रास्ता नहीं छोड़ा है, नॉर्मल एक बाइक के लिए या चल के जाने के लिए आदमी के लिए, या अगर कोई दिवाली की शॉपिंग करने कोहिनूर में आवे या विजय सेल्स में आवे, उसको अंदर जाने के लिए उन्होंने परमिशन नहीं रखी, कोई रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। कंप्लेन हमने लोकल जो यहाँ के वार्ड ऑफिसर जो आते हैं, जो बीएमसी वाले काम करने के लिए, उनको काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया है कि हमको कुछ सहायता कीजिए, कुछ आने जाने के लिए जगह छोड़िए, एक सो दैट यहाँ से अगर बाइक भी आ जा पाए तो कम से कम वहाँ से बाइक नहीं जाएगी, थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल के अंडर रहेगा, बट कोई सुनवाई नहीं हुई है वहाँ पे। वहीं सुमन नगर अन्ना भाऊ साठी ब्रिज के नीचे सर्विस रोड को बंद किया गया है, जिसके कारण गाड़ी चालक रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीएम चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर सुमन नगर के पास, जहां पर विजय सेल्स शोरूम है। आपको कुछ तस्वीर यहां का दिखा दें कि महानगर पालिका के माध्यम से पीडब्ल्यू विभाग के तरफ से इस रोड का काम किया जा रहा है, जहाँ से एक बड़ी गटर की लाइन जा रही है और यहाँ से पीने का जो पाइप का लाइन है वो जा रहा है। लेकिन इस काम की शुरुआत कम से कम 8 से 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर खड्डे तो खोद दिए गए हैं लेकिन यहाँ पे काम फटाफट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। दूसरी मैं आपको बात बता दूँ कि जब हमारे दूसरी साइड का जो रोड है वहाँ से लोग रॉन्ग साइड से आगे की तरफ जाते हैं, और आगे जाने के बाद जब आगे से BST बस आती है या कोई गाड़ी आती है तो ज़्यादा ट्रैफिक होता है और एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट है। लेकिन इसके ठीक आगे अगर देखा जाए तो 100 मीटर पे अस्पताल है, सुराना सेठिया अस्पताल है, जहाँ पे लोगों को जाने के लिए तकलीफ हो रहा है। लेकिन 8 से 9 महीना हो गए इस काम को लेकर, लोगों का आरोप है कि यहाँ पे जो काम चल रहा है, कभी काम होता है फिर काम बंद कर दिया जाता है। अब देखना ये है कि ये जो काम है, रोड का जो काम चल रहा है, गटर का जो काम चल रहा है यहाँ पर, कब तक ये पूरा होता है, क्योंकि स्थानीय लोगों को आने जाने की काफ़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा पाइपलाइन जा रहा है। अब देखना ये है कि ये काम कब तक पूरा होता है, क्या स्थानीय जिस तरह परेशान है क्या ऐसे ही परेशान रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN News मुंबई।